हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धारुना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं वोल्टेज बूस्टर। और फ्रेंड, ये जैसे देख सकते हो आप, अभी आपने वीडियो देखा, इतना ज़्यादा वोल्टेज बूस्ट कर देता है कि इसके बीच में फ्लेम जनरेट होने लगती है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज नहीं है, अगर आप छोटे हो, तो प्लीज़ इसको घर पर ट्राई बिल्कुल भी मत करना, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप हो रहा है। मैंने इसको ट्राई किया था, इसका कितना वोल्टेज अप हो रहा है ये देखने का मल्टीमीटर से, लेकिन मल्टीमीटर को इसने ख़राब कर दिया, इतना ज़्यादा वोल्टेज अप कर रहा है ये। तो यहाँ पर मैंने 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और यहाँ पर जो टीवी का EHT होता है वो लगाया है। मैं आपको पूरा वीडियो में समझा दूंगा, आगे आप वीडियो को देखिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा पुरानी टीवी का EHT। तो फ्रेंड, जैसे देखा होगा अपन ने कि पुरानी जो टीवीज होती थी कैथोड रे ट्यूब वाली, उसके अंदर से इस टाइप का एक कंपोनेंट निकलता था, तो इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो फ्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज अप कर देता है, और ये पुरानी टीवीज में से निकलेगा, पुरानी रिपेयर की शॉप से ले सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ पर 3 वायर निकले थे इसके अंदर, तो मैंने 2 वायर कट कर दिए क्योंकि हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी नीचे पिन से जो टीवी के अंदर इसकी वायरिंग की जाती है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक्सटर्नल इसकी करेंगे यहाँ पर वायरिंग, और काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर एक मैं ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, और इसका नंबर है IRF Z44, ठीक है, 44, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और ये मुझे 30 रुपये का मिला है इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हीट सिंक लगा रहा हूँ इसके अंदर में, क्योंकि फ्रेंड्स हीट सिंक इसलिए लगाते हैं हम, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये गर्म हो जाता है वर्क करते हैं, तो ज़्यादा गर्म होने पर ये ख़राब भी हो सकता है, तो इसको ठंडा रखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड मैं एक 220 ओम का रजिस्टर यूज़ करूंगा, और ये 1 रुपये के 4 मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते मिलते हैं फ्रेंड्स ये, आप ले सकते हैं इनको। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक 3.7 वोल्ट की 2 एम्पेयर की बैटरी ले रहा हूँ, और फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर हमारा 1 एम्पेयर की बैटरी थी, लेकिन मैंने इसका 2 पैक बनाकर यहाँ पर 2 एम्पेयर की बना दी इसको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 बैटरी कनेक्ट किए, लेकिन इनका वोल्टेज अप नहीं हो रहा है, इसका मतलब बस एम्पेयर अप हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको खरीदनी है तो 50 से 70 रुपये के आसपास मिल जाएगी एक बैटरी आपको। लिथियम आयरन बैटरी होती है फ्रेंड्स ये, अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप दूसरी बैटरी का भी यूज़ करते कर सकते हो, 4 वोल्ट 2 एम्पेयर की बैटरी कोई सी भी यूज़ कर सकते हो आपको जो मिलती है वो वाली। बस ध्यान रखना आपको एम्पेयर 2 या 3 एम्पेयर का यूज़ करना है, और वोल्ट आपको लगभग 3 से 4 वोल्ट यूज़ करना है, तो आप इस टाइप से अपना पैक भी बना सकते हो इसके अंदर। अब फ्रेंड्स, इसके बाद एक स्विच यूज़ करूँगा मैं इसके अंदर, ताकि बंद चालू कर सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर आप डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करोगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है, कहीं दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर मैं वाइंडिंग के लिए वायर यूज़ करूँगा, और ये 1 mm का वायर है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी EHT है, इसके जो आप कोर दिख रही है बाहर वाली, इस पर हम यहाँ पर वाइंडिंग करेंगे। तो हमारा जो वायर है फ्रेंड्स ये 1 mm वाला, इसका हम यूज़ करेंगे, थोड़ा मोटा वाला वायर यूज़ करना है आपको, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ठीक है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया इस टाइप से। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर हम जो हमारा पहला वायर है, इसकी हम यहाँ पर 5 टर्न लेंगे इसके अंदर इस टाइप से, जैसे आप देख लीजिए वीडियो में, इस टाइप से टर्न लेने। और फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर कोई सी भी वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, सारी वीडियो रियल होती है और वर्केबल होती है, ठीक है। वो बहुत सारी बार क्या होता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा वर्क नहीं कर रही, फेक वीडियो बनाए, तो फ्रेंड्स होता क्या है, आप कोई मिस्टेक कर देते हो और आपका वर्क नहीं करता है, तो उसके कारण आप बोलते हो कि हमारा वर्क नहीं कर रहा, लेकिन रियल सारी वीडियोज़ होती है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर, मैंने कभी कोई सी ऐसी वीडियो नहीं बनाई जो वर्क नहीं कर रही हो, सारी रियल होती है, और मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ इन लोगों को। तो इस टाइप से फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हो दूसरे वायर की मैं यहाँ पर वाइंडिंग कर रहा हूँ मैं, तो जैसे देख सकते हो दोनों वायर की मैंने वाइंडिंग कर ली है, 5-5 टर्न दोनों के लिए, और जो हमारा पहला वायर है उसका लास्ट वाला सिरा, और जो दूसरा वाला वायर है उसका पहला वाला सिरे को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ इस टाइप से, जैसे देख लीजिए आप वीडियो में, काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। इसके बाद फिर यहाँ पर 3 पॉइंट बन गए हमारे वायर के, तो इन तीनों पॉइंट पे हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक MDF बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर इसको चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चिपकाने के लिए यहाँ पर रिवर्सिबल टेप का यूज़ कर रहा हूँ, आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्लू गन का मैं यूज़ इसलिए नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म करना होता है, फिर उसके बाद इसको चिपका, और वो काफ़ी इतना ज़्यादा गर्म होने के बाद भी वो इतना अच्छे से चिपकाती नहीं है फ्रेंड्स, वो बार बार खुल जाती है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, फटाफट से चिपक जाता है ये। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है हमारा, उसकी फर्स्ट वाली जो लेके उसमें हमें जो हमारा रजिस्टर है उसको कनेक्ट करना है। तो रजिस्टर में प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, आप इसे किधर भी लगा सकते हो डायरेक्ट। तो इस टाइप से यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लूँगा इसकी फर्स्ट वाली लेग में। और फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जो हमारा रजिस्टर है उसको जो हमारी वाइंडिंग की उसकी लास्ट वाले सिरे में लगाना है।
तो जैसे मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप देख सकते हो, डायग्राम भी आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो डायग्राम ज़रूर देखना, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसमें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैंने खुद ने डायग्राम बनाया है फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, मैंने लास्ट वाले सिरे में इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा पहला जो वाला सिरा है वाइंडिंग का, उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है। और बीच वाला जो सिरा हम बाद में कनेक्ट करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप से करना है। तो पहले मैं इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर चिपका देता हूँ बोर्ड के ऊपर इस टाइप से, और देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने यहाँ पर चिपका दिया इस अच्छे से, और ध्यान रखना वायर इधर उधर टच ना होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड, जो हमारा ट्रांजिस्टर की जो थर्ड वाली लेग है, उसमें हमें यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करना होगा। तो ये हम माइनस वाला पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर, और जो हमारा वाइंडिंग की जो बीच वाला सिरा है, उसमें हम प्लस वाला पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा आखिर में कि किस टाइप से इसका डायग्राम होता है फ्रेंड्स, वो भी आप ज़रूर देखना। तो जैसे देख सकते हो, तो बैटरी के मैंने प्लस वाला जो पॉइंट होता है, उसके बीच में एक मैंने स्विच कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर। तो आप बैटरी के ऊपर यहाँ पर लिखा होगा फ्रेंड्स, प्लस किधर होता है, माइनस किधर होता है। तो प्लस वाले में आप एक स्विच कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर इस बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे हम इस टाइप से, और स्विच को यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको मैं चिपका देता हूँ। और फ्रेंड, बैटरी आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो, दो मोबाइल की बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको कि लिथियम आयरन बैटरी परचेस करनी है मार्केट से। वो मोबाइल की बैटरी होती है, वो भी लिथियम आयरन बैटरी होती है। बस आपको ध्यान रखना 3.7 वोल्ट से आपको 4 वोल्ट तक ही देना है, ज़्यादा वोल्ट नहीं देना, ठीक है, वरना सर्किट ख़राब भी हो सकता है और कुछ अलग भी हो सकता है, मुझे मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा स्विच है, इसमें हम कनेक्शन कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि स्विच बंद होना चाहिए, ठीक है। चालू स्विच में करोगे आप तो शॉर्ट सर्किट लग सकता है, क्योंकि हमें याद नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस टाइप से इसको ट्राई करना है। तो पहले आपको स्विच बंद करना है, उसके बाद ही इसकी वाइंडिंग करनी है। तो फ्रेंड, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको कैसे करना है इसे चालू, तो जैसे देख सकते हो, वायर को आपको थोड़ा दूर से पकड़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे EHT है, इसके आसपास हाथ नहीं लगाना और पिंस के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, वरना आपको झटका लग जाएगा। और जिस टाइप से मैंने दूर से पकड़ रखा है, इस टाइप से पकड़ना है। और अब जैसे डायग्राम देख लीजिए इसका, तो काफ़ी आसान है फ्रेंड, डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है इसका। और यहाँ पर EHT जो लिखा रहा हुआ है, ये 3 पिन से यहाँ पर हमारी इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। तो मैंने वाइंडिंग को डायरेक्ट इस टाइप से 3 पॉइंट से दिखा दिया है रेड कलर से। तो अब मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ आपको, देखिए आप। तो फ्रेंड, जैसे देखा आपने, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है, ये अप कर रहा है। मैंने यहाँ पर 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप कर रहा है। इतना ज़्यादा वोल्टेज अप हो रहा है कि इन दोनों वायर के बीच में फ्लेम जनरेट होने लगी है। तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है। मैंने इसको मल्टीमीटर से चेक करने की कोशिश की थी फ्रेंड्स, लेकिन मल्टीमीटर हमारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। तो मैं इसको देख नहीं पाया कितना ज़्यादा वोल्टेज निकल रहा है इसमें, तो मुझे अभी पता नहीं है। अगर आपको पता है फ्रेंड्स कितना ज़्यादा वोल्टेज निकल रहा है इससे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका वोल्टेज कितना हो सकता है, अगर आपको पता हो तो। तो जैसे आपको क्या करना है, इसको बच्चों से दूर रखना है फ्रेंड्स, और अगर आप छोटे तो बिल्कुल मत बनाना इसको। और बच्चों से दूर रखने के बाद, इसे चलाने के बाद फ्रेंड्स, इसकी जो वायर है, इसको टच करके इसको डिस्चार्ज करना, क्योंकि ये चार्ज हो जाती है और बाद में झटका भी देती है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और फ्रेंड्स, खास बात ये है कि आप इसे घर पर ट्राई मत करना, अगर छोटे हो और इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज नहीं है तो आपको, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। आपने देखा भी हाल कि काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है, इतना ज़्यादा वोल्टेज है, इसके बीच में फ्लेम जनरेट होने लगी है। तो प्लीज़ इसको ट्राई मत करना, अगर छोटे हो, इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज नहीं है तो आपको इंजरी भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत।